और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीजों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता विधायक दल नेता ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था।